हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी फाइन फेस क्रीम की। ये एक मेडिकेट क्रीम है। ये क्रीम को बहुत लोग स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये क्रीम का एक्चुअल यूजेस क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको कब लगाना है, साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, ये सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमें वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका 20 ग्राम का प्राइस है 160 रुपीज़। ये आपको हर कोई मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। अब बात करते हैं ये क्रीम के बेनिफिट्स की, इसको किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो इसका एक्चुअल यूज एक्ने पिम्पल के ऊपर किया जाता है। अगर आप एक्ने पिम्पल से परेशान है, उसके मार्क्स से परेशान है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चेहरे पर झाइया की समस्या है, डार्क सर्कल की समस्या है, उसके ऊपर भी ये काम करती है। लेकिन इसका एक्चुअल यूज जो है एक्ने पिंपल के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है उसका बेसिकली काम जो है एक्ने पिंपल को ट्रीट करने के लिए ही किया जाता है। तो इस क्रीम में जो है तीन एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज किया गया, एक है बीथामेथासोन, दूसरा है क्लिंडामाइसिन और तीसरा जो है निकोटिनामाइड। बीथामेथासोन जो है एक एस्ट्रॉयड है, जैसे कि आपको पता ही है, ये इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करता है, जो एक्ने पिंपल में रेडनेस स्वेलिंग होता है उसको कम करता है ये, साथ ही ये दाग धब्बे को भी जो है लाइट करता है। तो क्लिंडामाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है, बेसिकली बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो निकोटिनामाइन जो है एक विटामिन बी का रूप है, जो स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये स्किन को नरिश करता है, स्किन पर जो है ग्लो ऐड करता है, साथ ही स्किन के डेड सेल को भी जो है रिमूव करता है। इसलिए ये क्रीम को लगाने से जो है एक्ने पिम्पल तो ठीक होंगे ही, साथ ही स्किन फ्रेश एंड क्लियर होगी, स्किन पर ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं इसको कब और कैसे लगाना है। तो इसे आप जो है रात को लगा सकते हो आफ्टर फेस वॉश, कोई भी क्रीम हो फेस वॉश करने के बाद ही लगाना है, तभी ये काम करेगी। और दिन में जो है सनस्क्रीन जरूर लगाएं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट कम ही होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल की समस्या है आपके चेहरे पर, उस केस में जो है आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही ये क्रीम को लगाएं। तो सेंसिटिव स्किन वाले जो है मेरी सलाह से तो ये क्रीम को यूज़ ना ही करें, क्योंकि इसमें जो है एस्ट्रॉयड का यूज किया गया है, जो स्किन को और भी ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा। तो इसके अलावा ये क्रीम को यूज करने से जो है स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन पर जो है एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, स्किन पर जलन, खुजली, रेडनेस आ सकती है, इस टाइप के जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर आपको ये क्रीम सूट ना करे तो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।